अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में क्विकली हम चैप्टर 15 और चैप्टर 16 की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे uh, मेरी कोशिश होगी कि 10 से 12 मिनट में ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाए ताकि आपका इस वक्त ज़्यादा टाइम भी यूटिलाइज ना हो और हम अहम कंसेप्ट जो है 15 और 16 के केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी डिस्कस कर लें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा राइस बुक के का और आई के की बुक के एग्जांपल नंबर 14 है चैप्टर 15 में से करे ग्रीन लीफ लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी है सेंट ए नोटिस ऑफ द फॉर्थ कमिंग एनुअल जनरल मीटिंग टू द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रेड रोज लिमिटेड इज आल्सो ए लिस्टेड कंपनी यानी एक कंपनी है ग्रीन लीफ लिमिटेड इसने अपनी मीटिंग का नोटिस भेजा है एजीएम का नोटिस किसको रेड रोज लिमिटेड को अच्छा क्यों भेजा होगा रीजन बिल्कुल यही कि रेड रोज लिमिटेड ने ग्रीन लीफ के कुछ शेयर्स खरीदे होंगे Red Rose Limited has recently acquired 100,000 shares in Green Leaf Limited and you are required to advise its directors about the following in light of Company Act 2017. आगे बिल्कुल उसने बता भी दिया कि Red Rose ने 100,000 shares खरीदे हैं। तो अब क्वेश्चन दोस्त ने पूछे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? Who can represent Red Rose Limited in the annual general meeting of Green Leaf Limited? आपको पता है एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर तो हो सकती है यानी रेड रोज ग्रीन लिफ लिमिटेड की शेयर होल्डर तो हो सकती है

लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन पास होगी द पावर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड, कोई भी इंडिविजुअल रेड रोज के लिमिटेड की मीटिंग को अटेंड कर सकता फॉर इट सबमिशन यानी अगर कोई प्रोक्सी इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोक्सी सबमिट करवाया जाता है ग्रीन लीफ को

वो उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए उसको प्रॉपरली फिल किया गया हो बाकी की प्रॉक्सी की कंडीशंस बताना लाजमी नहीं है कि उसका मेंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी की बात की है प्रॉक्सी के सारे रूल्स हमसे नहीं पूछे जी चैप्टर फिफ्टीन के ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आ, ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है आ, तो स्टार्ट करते हैं इसके रीडिंग क्या कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ क्लासिक पेंट्स लिमिटेड ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी अब ये स्टेटस जो है वो हमने अंडरलाइन कर लेना है क्वेश्चन में स्टेटस uh, कंपनी का अहम होता है टाइप ऑफ कंपनी है और डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से भी कॉल कर सकते हैं एजीएम और स्टैट्यूटरी मीटिंग ये डायरेक्टर्स की ही कॉल पे कंडक्ट की जाती है लेकिन जनरल मीटिंग डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स दोनों की कॉल पे कंडक्ट हो सकती है तो ये शेयर होल्डर्स होल्डिंग टेन परसेंट वर्टिंग पावर द कंपनी ने एक्सट्रॉनि जनरल मीटिंग के लिए रेक सबमिट कराई और इसको कंडक्ट किया गया अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी मिनट डेज और मिनट्स आपको पता है हमारे लॉ में अहम मीटिंग चेयरमैन इन अटेंड द मीटिंग ड्यू टू हेल्थ ऑफ क्लोज रिलेटिव चेयरमैन ने कहा मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता अब हमने क्या बताना है कोरम ऑफ द अबव मीटिंग देखिए ये जनरल मीटिंग है और लिस्टेड कंपनी के केस में जनरल मीटिंग का कोरम क्या होता है? हमने किया हुआ है टेन प्रेजेंट को काउंट करना है तो प्रॉक्सी को काउंट नहीं करना लेकिन जब वोटिंग पावर को काउंट करना है तो प्रॉक्सी जो अपॉइंट की गई है उनके वोट को भी काउंट करना है तो ये हमारा कोरम होगा बी में कह मीटिंग शुड बी प्रेजेंट थर्टी मिनट्स आपको पता है मीटिंग जो मीटिंग का स्टार्ट टाइम होता है उसके 30 मिनट के अंदर अंदर कोरम प्रेजेंट होना चाहिए और यह भी आपको बता दूं कि 15 मिनट का टाइम है चेयरमैन के लिए अगर चेयरमैन 15 मिनट में नहीं आता तो फिर दूसरे चेयरमैन को चेयरमैन ऑफ द मीटिंग उसको डिसाइड करना पड़ेगा और अगर कोरम ऑफ द मीटिंग की बात होती है तो उसके लिए ला ने मिनट का टाइम दिया हुआ है तो तीस मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स ने कॉल की थी या डायरेक्टर्स ने कॉल की थी यहाँ पे चूके शेयर होल्डर्स की मीटिंग मीटिंग जो जनरल मीटिंग कॉल की थी शेयर होल्डर्स ने तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग का कोरम प्रेजेंट ना हो तो मीटिंग डिजोल्व हो जाती है खत्म लेकिन अगर मीटिंग डायरेक्टर्स ने कॉल की हो तो फिर ये एड हो जाती होल्डर तो वाला मीटिंग डिजॉल्व हो जाएगी और ये जेहन में रखिएगा कंसेप्ट केस स्टडी में जब क्लियरली हमें कोई इन्फॉर्मेशन बता दे तो फिर हमने उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक केस स्टडी सॉल्व करनी होती है उस गिवन इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं लेते यानी उस चीज की हमने कभी नहीं लेनी जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है सी में करा है, situation? Situation में है है हु कुड चेयर चेयर द मीटिंग मीटिंग इन दी बफ सिचुएशन सिचुएशन इस कौन कर सकता देखिए अगर चेयरमैन मौजूद नहीं है तो फिर डायरेक्टर में से कोई भी आ, किसी भी डायरेक्टर को चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इलेक्ट कर दिया जाएगा और अगर कोई भी डायरेक्टर मौजूद नहीं है तो फिर आ, मेंबर्स में से किसी मेंबर को चेयरमैन के तौर पे इलेक्ट कर लिया जाएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 15 में से ही एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टाइप ऑफ मीटिंग को एज यूजुअल हमने अंडरलाइन कर लिया ऑफ एमटीएल ए लिस्टेड कंपनी टाइप ऑफ कंपनी को फिर अंडरलाइन किया हमने वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 31 2009 द डायरेक्टर्स एडजॉन्ड द मीटिंग फॉर द नेक्स्ट वीक एज द कोरम वाज नॉट प्रेजेंट डायरेक्टर्स ने मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया क्यों क्योंकि कोरम वाज नॉट प्रेजेंट ऑफ़ द शेड्यूल टाइम। पहली चीज तो ये कोरम का इंतजार मिनट तक किया जाता है पंद्रह मिनट के लिए नहीं लेकिन बाहर आगे चलते हैं शायद रिक्वायरमेंट में कुछ क्लियर करें इसके बारे में बेस्ड प्रोविजन ऑफ कमी कमेंट ऑन द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑन द रिकोजिशन ऑफ मेंबर्स देखें, अगर ऑफ मेंबर्स मीटिंग कॉल की गई थी एक्सट्री जनरल मीटिंग तो इसको एडजॉर्न नहीं करना चाहिए बल्कि डिसॉल्व हो जाती है ठीक है तो इसने, इस सिचुएशन में दो गलतियां की एक ही है कि मीटिंग को डिसॉल्व करने की बजाय एडजॉर्न कर दिया और दूसरा कोरम का इंतजार सिर्फ पंद्रह मिनट तक किया हालांकि उसे थर्टी मिनट तक कोरम का इंतजार करना चाहिए था सेकंड मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स अगर डायरेक्टर ने मीटिंग कॉल की थी तो फिर इसने एडजॉर्न का डिसीजन तो ठीक किया कि अगर कोरम पूरा नहीं है तो मीटिंग को एडजॉर्न किया जाता है लेकिन जो कोरम के लिए इंतजार 15 मिनट्स की बजाय से 30 मिनट करना चाहिए था हमने दोनों ऑप्शंस में बात डिस्कस कर दी 15 और 30 मिनट वाली बी में कह वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन एट मीटिंग मीटिंग बिल्कुल के बारे में हमने यह पढ़ा है कि कोई रेजोल्यूशन अगर एडजॉइ मीटिंग में पास होती है तो वो एज इफेक्टिव है इक्वली इफेक्टिव है जैसा कि वो ओरिजिनल मीटिंग में पास होती ठीक है लेकिन जो इसकी इफेक्टिव डेट है उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो एडजॉइन मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगी वो होगी तो इफेक्टिव वैलिड है लेकिन उसकी एप्लीकेशन डेट जो होगी वो विद इफेक्ट फ्रॉम एडजॉन मीटिंग होगी यानी जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास हुई है ओरिजिनल मीटिंग मीटिंग नहीं होगी यानी की रेजोल्यूशन इफेक्टिव है बट विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ एडजॉन मीटिंग जी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ट्वेंटी ये चैप्टर फिफ्टीन में सबसे अहम केस स्टडी है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है कह जनरल मीटिंग सबसे पहले AGM type of meeting को हमने अंडरलाइन कर लिया ऑफ एएम ऑन 10 नवंबर 2015 सर्टेन शेयर होल्डर्स द कंपनी सेक्रेटरी कुछ कंप्लेंट्स लॉन्च की है रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी टू कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ अबव कंप्लेंट्स आपने हर ऊपर जो कंप्लेन की गई है इसकी वैलिडिटी के ऊपर कमेंट करना है वैलिड है कंप्लेन या नहीं वैलिड और उसकी रीजनिंग भी बतानी है आपको पता है रीजनिंग पूछे ना पूछे अब वो हमने केस स्टडी का असूल होता है कि डिसीजन के साथ बेसिस ऑफ डिसीजन भी जरूर बताना है पहले मैं कह रहा है नोटिस ऑफ एजीएम वाज नॉट रिसीव्ड बाय देम अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए ये नहीं कह रहा कि कंपनी ने सेंड नहीं किया था वो कह रहा है कुछ शेयर होल्डर ने रिसीव नहीं किया था की जिम्मेदारी है जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि शेयर होल्डर को नोटिस होने की बहुत सी रीजन हो सकती है तो इसीलिए अगर नोटिस ऑफ द एजीएम किसी शेयर होल्डर को रिसीव नहीं हुआ कंपनी ने सेंड कर लिया था लेकिन शेयर होल्डर को रिसीव नहीं हुआ तो इसकी इस इस जिम्मेदारी कंपनी पर आय नहीं होती एजीएम बिल्कुल वैलिड होगी और याद रखें अगर एक्सीडेंटली कंपनी किसी होल्डर को नोटिस सेंड ना भी कर पाती ऐसा केस होता जिससे भी ज्यादा सवेरा यानी कंपनी ने ही कुछ शेयर होल्डर को नोटिस सेंड नहीं कर पाई लेकिन एक्सीडेंटल ओमिशन तो उस, उस सूरत में भी जो एजीएम है ये वैलिड होती इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता

तो फिर ये रेजोल्यूशन बिल्कुल सही पास हुई है एतराज गलत है लेकिन अगर किस चेयरमैन ने ऑप्ट किया था कहा था या 10 परसेंट वोटिंग पावर्स वाले शेयर होल्डर ने आ, कहा था कि पोलिंग को कंडक्ट करवाया जाए फिर पोल कंडक्ट नहीं हुआ उस सूरत में इतराज वैलिड होगा तो थर्ड वाला हमने दोनों सिचुएशन में डिस्कस कर दिया कि पोल की कंडीशन अगर पूरी हो रही थी फिर पोल कंडक्ट नहीं करवाया गया तो ये एतराज वैलिड है लेकिन अगर पोल की कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी तो फिर ये एतराज इनवैलिड है

सिंस 9 नवंबर 2015 वाज ए पब्लिक हॉलिडे कंडीशन ऑफ डिपॉजिटिंग द प्रॉक्सी एट लीस्ट 48 आवर्स बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ द मीटिंग वाज नॉट मेट तो अब ये देखिए अब आपको पता है पब्लिक हॉलिडे जो होता है इसको हम काउंट नहीं करते तो जब हम 48 आवर्स काउंट करेंगे तो 8 नवंबर 5 बजे इसका मतलब है 8 नवंबर के 5 से 7 7 घंटे गुजरेंगे फिर उसके बाद पब्लिक हॉलिडे काउंट नहीं करना 9 नवंबर दस नवंबर को ग्यारह बजे मीटिंग है तो इसका मतलब है दस तारीख के ग्यारह घंटे और आठ तारीख के सात घंटे ग्यारह अठारह घंटे हो गए तो ये अड़तालीस घंटे पूरे नहीं हुए इसका मतलब है फोर्टी एट आवर्स वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई

क्या है कि अगर एक से एक मेंबर एक ही प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है अगर वो एक से ज्यादा प्रॉक्सीज को अपॉइंट करता है तो सारी की सारी प्रॉक्सीज इनवैलिड हो जाएगी यहां पे होना क्या चाहिए था कि ना तो मिस्टर कासिम के शेयर्स को काउंट किया जाता

पर्सन इंडिविजुअल बोर्ड रेजोल्यूशन में डिसाइड होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को हमने एज रिप्रेजेंटेटिव अलाउ करना है कि वो कंपनी के बिहार तो है उसका डायरेक्टर या एम्प्लॉय होना लाजमी नहीं है तो ये जो छठा एतराज है ये भी गलत है यहाँ पे शायद के एम ए शुरू में जे जो है वो टाइपिंग एरर की वजह से नहीं इंक्लूड हो सका तो ये जेके एम लिमिटेड आपने पढ़ना है जेके एम लिमिटेड होल्डिंग ट्वेंटी थाउजेंड तो ये जो छठा इतराज है ये इनवैलिड है रिप्रेजेंटेटिव का डायरेक्टर या एम्प्लॉय होना लाजमी नहीं है तो ए पार्ट हमने बता दिया बी में क्या कह रहा अंडर में meeting, आपको पता है हमने वो तीन कंडीशंस पढ़ी थी आ, एक वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट को कैंसिल करना हो एक डायरेक्टर्स के इलेक्शन को कैंसिल करवाना हो और तीसरा जनरल मीटिंग को अगर कैंसिल करवाना हो तो इसकी कंडीशन तकरीबन मिलती जुलती है तकरीबन का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं एग्जैक्टली exactly नहीं तकरीबन मिलती जुलती हैं यानी 10% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए मेंबर्स के पास वो विद इन थर्टी डेज ऑफ द मीटिंग कोर्ट को अप्लाई करे और उसमें साबित कर दिया जाए ये साबित क्या करना है ये केस टू तो केस वेरी करता है एजीएम में साबित ये करना है हमने कि इसमें मेंबर्स को अपने इफेक्टिव राइट्स को यूटिलाइज करने से मना किया गया था कुछ ऐसी इरेगुलरिटी हुई थी मीटिंग को कंडक्ट करने में या नोटिस सेंड करने में जिसकी वजह से मेंबर्स अपने राइट्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर सके तो उस सूरत में कोर्ट नल एंड वाइट देगा पूरी की पूरी मीटिंग को या पार्ट ऑफ द मीटिंग को जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर सिक्सटीन में से है वो कह रहा है चीफ एग्जीकटिव ऑफ रजा एंटरप्राइजेस लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी इज आउट ऑफ कंट्री कंट्री से बाहर है

साइन uh, कौन करेगा ऑथेंटिकेट कौन करेगा याद रखे uh, जो ऑथेंटिकेट करते हैं वो तो डायरेक्टर्स करते हैं लेकिन उनके बिहार पे जो साइन होगा तो साइनिंग अथॉरिटी कौन सी होती है ये लिस्टेड uh, कंपनी का केस है तो लिस्टेड कंपनी के केस में तीन लोग साइन करते हैं साइन uh, करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर के ऊपर पहला चीफ एक्जेक्टिव दूसरा कोई भी एक डायरेक्टर और तीसरा सीएफओ और अगर चीफ एग्जेक्टिव पाकिस्तान से बाहर है जो की साइन कौन करेगा एट लीस्ट टू डायरेक्टर्स और प्लस उनके साथ सी एफ ओ नेक्स्ट क्वेश्चन टेन चैप्टर सिक्सटीन का अच्छा ये क्वेश्चन भी अहम है चैप्टर uh, सिक्सटीन में सबसे अहम क्वेश्चन प्रोबेबली सबसे अहम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है इसीलिए इसे भी ध्यान से आपने समझना है कह रहा है आयरन लिमिटेड वोटिंग इन SSL। इसका मतलब आई एल होल्डिंग हो गई और एस एस एल सब्सिडरी हो गई एंड फिफ्टी टू परसेंट वोटिंग शेयर इन फ्लिपर प्राइवेट लिमिटेड एफ पी एल यानी आयरन लिमिटेड एफ पी एल की भी होल्डिंग हो गई यानी आयरन लिमिटेड दोनों की एस की भी होल्डिंग हो गई और एफ की भी होल्डिंग हो गई क्योंकि दोनों के मेजोरिटी ऑफ शेयर्स इसके पास शेयर अब होल्डिंग सब्सिडी तो ठीक है लेकिन ये तीनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज भी बन गई आपको याद होगा एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि अगर एक कंपनी दूसरी की होल्डिंग सब्सिडी हो या दोनों अंडर कॉमन मैनेजमेंट हो यहाँ पे एस एस एल और एफ पी एल आपस में इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप तो कोई नहीं है लेकिन चूंकि दोनों आई एल के अंडर है दोनों की कॉमन मैनेजमेंट कंट्रोल आईएल के पास है तो ये भी एसएसएल टू मिलियन की इन्वेस्टमेंट एफपीएल में करना चाहते अच्छा, में बहुत हैं अच्छा इसमें बहुत अहम बहुत अहम बहुत अहम लफज इन्वेस्टमेंट को अंडरलाइन कीजिए ये दो रीजंस की वजह से मैंने ये वर्ड को हाईलाइट करवाया आपको

तो हमने पढ़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी से पहले हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होगी और उस स्पेशल रेजोल्यूशन में नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वो सारी मेंशन की जाएंगी ये दो बातें हमने लिखनी है अच्छा इन दो बातों के बाद एग्जाम में बैठ के सबसे अहम डिसीजन आपने ये करना है कि अगली वाली जो कंडीशन थी यानी अगर ये लोन की शक्ल इन्वेस्टमेंट लोन की शक्ल में है वो लिखनी है कि नहीं लिखनी याद रखिएगा अगर एग्जाम में वो कह रहा हो कि जो सब्सिडीड कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो शेयर्स की शक्ल में हो रही है तो आपने सिर्फ पहली वाली कंडीशन लिखनी है अगर वो कहे कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो लोन की शक्ल में हो रही है तो फिर पहली वाली और दूसरी वाली दोनों कंडीशन लिखनी है यानी इफ आपको पता है अगर बोरिंग कर रहे हो डेट तो फिर क्या करना होता है फिर उस सूरत में ड्यू डिलीजेंस भी होती है उस सूरत में जो बोरिंग एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होगा जो बोरिंग कॉस्ट होगी जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बॉरिंग इन्वेस्टिंग कंपनी की अपनी बोरिंग कास्ट से कम नहीं होगा इंटरेस्ट को रेगुलरली रिकवर करवाया जाएगा ये जो कंडीशन हमने पढ़ी थी इन केस ऑफ लोन वाली वो भी आपने लिखनी है यहां पे चूंकि वर्ड उसने इन्वेस्टमेंट यूज किया है क्लियर नहीं है कि शेयर है कि लोन है तो फिर क्या करना है सोचे जब क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको पता है इक्विटी भी शामिल होता है लोन भी शामिल होता है तो हम दोनों कंडीशन लिखेंगे इफ करके कि इफ दिस इन्वेस्टमेंट इज इन दम ऑफ लोन देन फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन आर ऑल्सो बी मेट और बाकी की कंडीशन भी लिख देंगे एग्जाम में याद रखे अगर शेयर कहीं ना क्लियरली कह रहा हो कि एक कंपनी ने एसोसिएटेड कंपनी ने दूसरी कंपनी में कंपनी में फार्म में शेयर की इन्वेस्टमेंट कर रही है तो सिर्फ पहले वाली कंडीशन आएंगी स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन में टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह को मेंशन किया जाएगा लेकिन अगर वर्ड यूज करें लोन का या वर्ड यूज करें इन्वेस्टमेंट का इन एसोसिएटेड कंपनी तो फिर आपने आगे वाली जो कंडीशन है वो भी लिखनी है ये सबसे अहम पॉइंट था केस स्टडी में